से कुमारी सैलजा को लेकर बयान सामने आया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुमारी सैलजा को लेकर बयान दिया है। सैलजा को बीजेपी के ऑफर पर पवन खेड़ा ने पलटवार किया है और कहा है बीजेपी मनोहर लाल अपनी पार्टी की चिंता करें। तो ये बयान सामने आया है। पवन खेड़ा ने कहा कांग्रेस पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है। कुमारी सैलजा को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से बयान सामने आया था, अब उस पर पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया बीजेपी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बयान पर। अब पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई। साहब कुंठाग्रस्त व्यक्ति हैं। जिस दिन से उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से हटाया उस दिन से उनकी कुंठा बढ़ती चली जा रही है। लगातार कांग्रेस को इशारे कर रहे हैं लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए खुलते ही नहीं है और ना खुलेंगे। उनकी कुंठा और बढ़ रही है। बोलने दीजिए, कुंठाग्रस्त व्यक्ति है बेचारा, उसको बोलने दीजिए। लेकिन बीजेपी के साथ साथ बीएसपी ने भी कुछ दिन पहले कहा कि कुमारी सैलजा का अगर पार्टी में अपमान हो रहा है तो बीएसपी में शामिल हो जाए। अब मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं कि बीजेपी में आ जाए। वो सब छोटे खेल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा खेलती आई है, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारी पार्टी में कोई मतभेद किसी का आपस में नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं और हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। शायद यही कुंठा भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। खट्टर साहब कुंठाग्रस्त व्यक्ति हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।